पहले मैच में मिली हार के बाद भारतीय टीम को चयन की दुविधाओं से उबरना होगा। वहीं सेंचुरियन में करो या मरो के दूसरे मुकाबले में पिच की उछाल और अफ्रीका के तेज आक्रमण का बेहतर ढंग से सामना करना होगा। लगातार 9 सीरीज जीतने का भारत का रिकॉर्ड सेंचुरियन में दांव पर होगा, क्योंकि मेजबान टीम ने पहला टेस्ट 72 रनों से जीतकर तीनों मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। सेंचुरियन में जीत साउथ अफ्रीका के लिए सीरीज सील कर देगी। तो ऐसे में भारत की रणनीति क्या हो सकती है, इस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। तो भारतीय टीम मैनेजमेंट को सेंचुरियन में काफी सोच समझकर टीम का चयन करना होगा। खबरों के मुताबिक टीम इंडिया धवन को बाहर कर केएल राहुल को मौका देने का मन बना चुकी है। वहीं अजिंक्य रहाणे को भी टीम में जगह मिल सकती है। धवन का विदेश में खेले गए 19 टेस्ट में औसत 43.72 है, जो कि उनके करियर के औसत 42.62 से ज्यादा है। हालांकि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में उनके रिकॉर्ड को देखें तो ये औसत 11 टेस्ट में सिर्फ 27.81 है। साउथ अफ्रीका में धवन का 3 टेस्ट में औसत 18 रहा है और वो एक बार भी अर्धशतक नहीं बना सके। उनका हाईएस्ट स्कोर यहाँ सिर्फ 29 रन है, जो कि उन्होंने साल 2013-14 में बनाया था। दूसरी ओर राहुल तकनीकी रूप से काफी सक्षम बल्लेबाज हैं। उन्हें पेस और बाउंस के आगे कोई दिक्कत नहीं होती है। वहीं रोहित शर्मा केप टाउन में 2 पारियों में 11 और 10 ही रन बना सके। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि टीम मैनेजमेंट एक मैच की नाकामी के बाद रोहित को लेकर अपना फैसला बदलेगा। गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। कोहली को बाकी 4 गेंदबाजों का चयन करना है और इसमें पिच की भूमिका अहम होगी। अगर पिच न्यूजीलैंड की तरह होती है तो भारत एक स्पिनर को बाहर कर सकता है। अब देखना यह है कि कोहली तेज गेंदबाजी आक्रमण में क्या बदलाव करते हैं। तो ऐसे में आज के मैच में भारत की संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से हो सकती है। केएल राहुल और मुरली विजय ओपनर के रूप में उतर सकते हैं, तो वहीं तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा, चौथे पर कप्तान विराट कोहली, फिर पांचवे और छठे नंबर पर रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, वहीं सातवें नंबर पर हार्दिक पांड्या, आठवें पर रिद्धिमान साहा, नौवें पर भुवनेश्वर कुमार और आखिर में मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह मैदान में उतर सकते हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।